नमस्कार, मैं साक्षी पटवाल आप सभी का स्वागत करती हूं टुडे जुनून में। अक्सर ही पुलिस की मनमानी करने के मामले सामने आते रहे हैं। इसी का एक और उदाहरण गाजियाबाद के विजयनगर थाना क्षेत्र से आया है, जहां पुलिस कस्टडी में युवक की संदिग्ध हालत में मौत हुई है। मृतक युवक के परिवार ने विजयनगर पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक युवक के परिवार ने विजयनगर थाने का घेराव और हंगामा किया है। मृतक युवक पुलिस के कपड़ों की ड्राई क्लीनिंग और धुलाई का काम करता था और पुलिस के सब इंस्पेक्टर के फोन करने पर युवक उसके धुले हुए कपड़े देने के लिए गया था, जहां आरोप है कि पूर्व में दी गई एक युवती द्वारा शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया था। मृतक युवक के शरीर पर चोट के निशान नजर आ रहे हैं और परिवार पुलिस कस्टडी में हत्या का आरोप लगा रहा है। हालांकि पूरे मामले में पुलिस का पक्ष बेहद जुदा है और पुलिस के अनुसार युवक को पूछताछ के लिए लाते हुए उनकी कार के एक कैंटर से हुए एक्सीडेंट के दौरान युवक की मौत हो गई है और पुलिस ने एक्सीडेंट की धारा में मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली गाजियाबाद के ACP सिटी जोन सोलोनी अग्रवाल ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। थाना विजयनगर पर दिलशाद खान सन ऑफ इकबाल, इनके खिलाफ एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त होता है। जब इनको पूछताछ के लिए जिस गाड़ी में आ रहे थे, उस गाड़ी का एक्सीडेंट एक वाहन आयशर कैंटर है उससे होता है और हॉस्पिटल लेकर गए, जहाँ इनको मृत घोषित कर दिया गया। वाहन आयशर कैंटर, चालक हुकुम सिंह और हेल्पर प्रवीण कुमार, इनको पकड़ लिया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे मामले पर मृतक युवक के परिजनों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। उसे बढ़ती फिर वहाँ से पुलिस भी आई। हाँ, मैं अम्मी से कहने लगी, अम्मी तुम चली जाओ, मेरा भैया नहीं आया। मैं कहते हमें नहीं पता, नुको दिल्ली गया वो, विजयनगर की पुलिस ले गई। बताया विजयनगर की पुलिस ले गई, जब विजयनगर की पुलिस ले गई तो कहाँ है, हम यहाँ आए भगे भगे हैं। चोट लगी उसके सिर में, जब उसके सिर में चोट थी तो पट्टी क्यों नहीं उसकी है, ये थे गाजियाबाद से हमारे संवाददाता आकाश ठाकुर की रिपोर्ट। इसी तरीके की और जानकारी के लिए बने रहे टुडे जुनून के साथ। नमस्कार।